नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करेंगे वर्ष 2022 में खरवास कब से प्रारंभ हो रहा है, खरवास की महत्वता क्या है, खरवास के दिनों में क्यों हमें कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्यों हमारे लिए ये वर्जित होता है, इन दिनों में क्या क्या चीजें हमें विशेष तौर पर करने के लिए हमारे शास्त्रों में आदेश दिया गया है। तो यही जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो पर आप अंत तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके इस खरमास का आप लाभ उठा सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर भी करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खरमास कब प्रारंभ हो रहा है वर्ष 2022 में। तो उससे पहले आप ये जाने कि खरमास होता क्या है, ये कैसे लगता है, इसकी महत्वता क्या है। सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन करते हैं, यानी कि एक महीने एक राशि में रहते हैं, उसके बाद दूसरे राशि में संचरण करते हैं। और जब भी सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं, उसे संक्रांति कहते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा, अभी मकर संक्रांति होती है, जैसे कर्क संक्रांति। तो ये संक्रांतियां अपने आप में विशेष महत्व रखती हैं। और कोई भी संक्रांति हो, उस दिन गंगा स्नान या कोई पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करने का और उसके बाद दान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसी तरह से जब भी सूर्य बृहस्पति की राशि में जाते हैं, और बृहस्पति की राशि कौन सी है, दो राशि मानी जाती है, धनु राशि और मीन राशि। दोनों राशियां गुरु ग्रह बृहस्पति की हैं, और जब भी सूर्य इन राशियों में प्रवेश करते हैं, तभी खरवास लगता है। वर्ष में 2 बार खरवास लगता है। तो एक बार जब धनु राशि में गए थे तभी लगा, अब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब लगेगा खरवास। ये आपने जाना कि खरवास कब कैसे होता है, इसका क्या है। अब पहले जान लेते हैं कि ये खरवास प्रारंभ कब हो रहा है, उसकी डेट क्या है, दिन क्या है और कौन सी तिथि है। हम नक्षत्रों के बारे में भी जानेंगे। तो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, उसे आमल की एकादशी तिथि के नाम से जाना जाता है। और ये 14 मार्च दिन सोमवार के दिन लग रहा है, यानी कि सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे। हम समय की बात कर लें तो रात्रि को 2:37 पर सूर्य एक राशि से यानी कि मीन राशि में जाएंगे। और जब 15 मार्च को सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ में आपको संक्रांति प्राप्त हो रही है। तो इन 15 तारीख को मंगलवार दिन है, आप इन्हीं में आप जो है गंगा स्नान करें, दान करें, पुण्य करें, जो भी गोदान वगैरह होता है आप कर सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है संक्रांति के दिनों में किसी भी पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान की महत्वता बताई गई है। तो आपने जाना कि खरवास कब से प्रारंभ हो रहा है। अब खरवास के दिनों में क्या क्या चीजें हमें बिल्कुल भी भूल कर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देखा जाए तो गुरु ग्रह बृहस्पति अस्त हो जा रहे हैं, इनमें कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना होता है। शुभ कार्य में जैसे कि विवाह यानी कि संस्कारों की हम बात करें, तो जो विवाह संस्कार होता है उसे हमें नहीं करना है। हमें मुंडन संस्कार भी नहीं करना है, हमें जनेऊ संस्कार भी नहीं करना है। गृह प्रवेश भी हम शुभ मुहूर्त में करते हैं, क्योंकि देखिए गृह निर्माण और गृह प्रवेश, भूमि पूजन, ये सभी कार्य बहुत शुभ कार्य में होते हैं। हमारे परिवार की खुशियां उसमें शामिल होती हैं, हमारे आने वाली 7 पुश्तें उस घर में राज करती हैं। इसीलिए बहुत ही विधि विधान और बहुत ही शुभ मुहूर्त देखकर हमें ये सभी कार्य करने होते हैं। और विवाह की बात करें तो विवाह भी हमारा पूरा जीवन उस पर निर्भर होता है, इसीलिए इन दिनों में कोई विवाह के शुभ कार्य भी नहीं किए जाते हैं। यहाँ तक कि कर्ण छेदन की परंपरा भी बहुत सारे लोगों के यहाँ होती है, वो भी नहीं किया जाता है। तो ये सभी कार्य आप ना करें। दूसरी बात, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो समय निर्धारित होते हैं, यानी कि उसी नियति समय पर आपको उस कार्य को करना ही है, तो वो कार्य आप कर सकते हैं। जैसे कि ये संस्कारों की ही बात हम कर रहे हैं, जैसे कि बच्चे का नामकरण संस्कार, यानी कि जन्म के 11वें दिन बच्चे का, कहीं कहीं पे इसे निकासन के नाम से जाना जाता है, वो कार्य आप कर सकते हैं। उस दिन बच्चे की शुद्धि होती है, स्नान कराया जाता है, सूर्य दर्शन कराया जाता है, भूमि
को प्रणाम कराया जाता है, बच्चे का नामकरण होता है, विद्वान योग्य पंडित आते हैं, हमारे कुल पुरोहित आते हैं, हमारे घर के जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनके संरक्षण में बच्चे का नामकरण संस्कार होता है, तो ये भी आप करवा सकते हैं। रही बात जैसे कि जब हमारे यहाँ हमारे हिंदू संस्कार में जब बहू को बच्चा यानी कि गर्भावस्था में गुद भराई होती है तो वो भी एक नियति समय पर की जाती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अन्नप्राशन बच्चे के 6 महीने, जन्म के 6 महीने पर किया जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये सभी कार्य एक नियति समय पर करते हैं, तो इसमें करने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो आगे मैंने आपको बताया वो कार्य करने से आप बचे। अब दूसरी बात आती है कि क्या हम तीर्थ स्थानों पे जा सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल आप इन दिनों में भगवान विष्णु की बिल्कुल आप भाव भक्ति से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। भगवान विष्णु को प्रिय जो भी चीजें हैं, जैसे कि भगवान विष्णु को गोवंश यानी कि गाय की रक्षा, गौ सेवा बहुत ही प्रिय है, तो आप गौ की सेवा करें, गाय को चारा खिलाएं, उनकी देखभाल करें, बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा, आपको तुलसी सेवा करनी चाहिए, यानी कि तुलसी का बिरवा आप लगा भी सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, तुलसी का पूजन कर सकते हैं, संध्या के समय दीप दान कर सकते हैं, ये सभी चीजें भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करती हैं, ये आप करें। गीता का पाठ करें, जैसे कि बहुत सारे लोगों का पठन पाठन में रुचि होता है, तो आप वो कार्य कर सकते हैं। ध्यान करना चाहते हैं, कोई साधना करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त दान यज्ञ तर्पण श्राद्ध करना चाहते हैं, आप गया जाना चाहते हैं, तो भी आप जा सकते हैं। इन दिनों में ये सभी कार्य बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। देखिए, हम अपने घर की समृद्धि के लिए, हम अपने आने वाले संतानों के लिए बहुत सारे शुभ कार्य करना चाहते हैं, लेकिन यदि उसे एक शुभ समय पर शुभ मुहूर्त में किया जाए तो वही कार्य हमारा 4 गुना 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। इसीलिए ये सभी नियम, ये सभी मुहूर्त हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे कल्याण के लिए हमें बताया है, इसीलिए हमें ये सभी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हम इन दिनों में अपने घर में सत्यनारायण की कथा है, अखंड मानस का पाठ है, सुंदरकांड का पाठ है, ये अनुष्ठान कोई यज्ञ कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण होता है कि क्या व्रत उपास शुरू कर सकते हैं, जैसे जो हमारे साप्ताहिक व्रत होते हैं इन दिनों में आप कर सकते हैं। इस तरह से खरमास के दिनों में इन इन सभी चीजों को करने से आपको अत्यधिक लाभ होता है। ठीक है, आप अपने घर में बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल बनाएं, कलह कलेश से बचें, चोरी निंदा से आपको बचना चाहिए। आप अपने घर के मुख्य द्वार को बिल्कुल साफ सुथरा करके हल्दी वाले जल का छिड़काव करें। संध्या के समय जब गोधूलि बेला होती है उस समय एक छोटा सा घी का दिया लगाएं, माँ लक्ष्मी का आवाहन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जहाँ रहते हैं माँ लक्ष्मी स्वयं आती हैं। इस तरह से ये छोटे छोटे कार्य आपके घर में समृद्धि प्रदान करते हैं, आपके घर में सुख शांति ला सकते हैं, तो आप ये सभी कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि खरमास समाप्त कब होगा, कब से हम ये शुभ मांगलिक कार्य कर पाएंगे। तो 14 अप्रैल 22 दिन होगा गुरुवार, इसी दिन ये खरमास समाप्त हो रहा है, यानी कि सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे, और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करने का जो समय होगा 10:57 होगा। और हम बात करें उस दिन तिथि कौन सी है, उसी दिन एकादशी तिथि पड़ रही है, जो कि रंग भरी एकादशी के नाम से उसे जाना जाता है, तो रंग भरी एकादशी भी पड़ रही है इस दिन, बहुत ही शुभ दिन माना जा रहा है। तो आप तभी से सभी शुभ मांगलिक कार्य अपने घर में कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।